यही वाला पिकअप बताने वाला हूँ। पिकअप भी कह सकते हैं, इसे तिहाई भी कह सकते हैं। जैसा कि आपने सुना, इस पिकअप को मैंने पहले सिंगल बजाया, उसके बाद इसको नौ धा में मैंने लगाया। मीन्स पहले जो इस तिहाई में धात है वो तीन धात है, उसके बाद जो लास्ट में मैंने तिहाई आपको बजा के बताई उसमें नौ धा पूरे हो चुके थे। तो दोनों तिहाई अपन सीखेंगे, पहले तीन धा वाली तिहाई करेंगे, फिर अपन नौ धा वाली तिहाई करेंगे। तो आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं हूं अभय, और इस चैनल के ऊपर आपको हमेशा ऐसे ही ढोलक तबला से रिलेटेड लेसन्स तो मैं देता रहता हूं, जो कि तिहाई पैटर्न्स और पिकअप लग्गियां, बहुत अलग अलग तरीके वेरिएशंस, कहरवा ताल के सब कुछ मैं आपको बताता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो या फिर आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी अपन सीधे अपने पिकअप या फिर तिहाई, जो आप कहना चाहें, उस पर आते हैं। मेनली आप इसे तिहाई कह सकते हैं, तिहाई यही है। तो देखिए, एक और बार स्लो स्पीड में मैं आपको इसको बजा के दिखा देता हूँ कहरवा ताल के साथ में। तो 1 2 3 4 वैसे आपको सुनने में, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये, इसी आप आसानी से इसको सीख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके बोल देख लेते हैं। इसके बोल क्या है, इसके बोल है आपको स्क्रीन पर लिखे हुआ आ रहे हैं, तिद्धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा। ठीक है, वापिस से एक बार बोलने की कोशिश करते हैं, तिद्धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा। ठीक है, अगर अपन क्लैप के साथ इसे बोलेंगे तो आपको बिल्कुल मीटर में बोलना है, धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा। 1 2 3 4 धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा। ठीक है, हमेशा जैसा बोलता हूं मैं, पहले आप इसको बोलना सीखना, उसके बाद आप इसे बजाने की कोशिश करना। देखिए कैसे बजाना है, सबसे पहले धा तेरे किट धाती धा कैसे बज रहा है, चाटी साइड से हम पहले समझते हैं। देखिए, ये चाटी आपको नजर आ रही है, चाटी में तिद्धा तिरेकिट धाति धा कैसे बजाना है। तिद्धा में मैं शुरू में थाप ले रहा हूं, ती में थाप आ जाएगी, धा वर्ड में ता इंडेक्स फिंगर से आ रहा है, प्लस उसके साथ में बेस आ रहा है। बेस में आपको उधर साइड समझा दूंगा, फिर समझाने की जरूरत नहीं बेस साइड, क्योंकि बेस पूरा नॉर्मल है, कुछ भी घिस्सा कोई भी वेरिएशन यूज नहीं किया मैंने। तो ती में थाप आ गई, धा में इंडेक्स फिंगर के साथ बेस आ रहा है, तो ति धा। ओके, धा, उसके बाद में तिरेकिट, तिरेकिट वर्ड आपको बजाना आता है, तो ति धा तिरेकिट, अगेन ति धा तिरेकिट, फिर धा ति धा। अब जो ती वर्ड में इसके अंदर यूज कर रहा हूं, ती वर्ड थाप है। ठीक है, तो ती फिर धा और तिरेकिट। ओके, तो ति धा तिरेकिट धा ति धा, फिर से ति धा तिरेकिट धा ति धा, तिरेकिट धा ति धा, तिरेकिट धा ति धा। 1 2 3 4 धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा। ठीक है, तिद्धा और तिरेकिट के अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है पूरी तिहाई में। ठीक है, अगर आपने दो बोल बजाना सीख लिए, तिद्धा और तिरेकिट, तो पूरी तिहाई आप इजीली बजा सकते हैं। अब इसके अंदर जो समझने वाली बात है उसको जरा गौर से आप समझिएगा, तिद्धा तिरेकिट धाति धा, यहां तक आपने बजाया धा तिरेकिट धा तिरेकिट, मतलब उसके धा धाति धा के बाद में बिल्कुल भी गैप नहीं देना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा, ऐसा नहीं, धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा। ठीक है, इसमें शुरू में क्या हुआ, तिद्धा वर्ड अपन ने जो लिया है वो तिद्धा एक मात्रा में आ रहा है, तिद्धा, उसके बाद तिहाई शुरू हुई है, तिद्धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति धा, ऐसा। तो बीच में बिल्कुल भी आपको गैप नहीं देना है, आधी मात्रा की गैप है उसके अंदर, जो कि बिल्कुल भी नजर नहीं आती, तिद्धा तिरेकिट धाति धा तिरेकिट धाति।
बेस साइड से जो समझने वाली बात है, बेस साइड से यह है कि आपको बेस पूरा नॉर्मल रखना है, पित धा ती रकिट धा ती धा, ठीक है, बिल्कुल पूरा नॉर्मल बेस रहेगा। अगर आप चाहे तो ओपन में बजा सकते हैं, ती धा ती रकिट धा ती धा ती रकिट धा ती धा ती रकिट धा ती धा, बिल्कुल इजी है, बेस साइड से कोई टफ नहीं। अब मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में आपको उसको बजा के बता रहा हूँ, एक बार देखिएगा। तो 1 2 3 4 ती धा ती रकिट धा ती धा ती रकिट धा ती धा ती रकिट धा ती धा, इसको दो बार और बजाएंगे। अगर आपके हाथ में ये बैठ चुका है तो आप मेरे साथ बिल्कुल स्लो स्पीड में इसको बजाने की कोशिश कीजिए। तो 1 2 3 स्टार्ट। ती धा ती रकिट धा ती धा ती रकिट धा ती धा ती रकिट धा ती धा, अगेन 1 2 3 स्टार्ट। तो ये आपकी तीन धा वाली तिहाई कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन आते हैं नौ धा वाली तिहाई में। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर देख सकते हैं, इसके थ्रू आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको परचेस करना है, ढोलक आपको परचेस करना है या फिर तबला आपको परचेस करना है, आप शॉर्ट वीडियोस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ढोलक और तबले की वीडियोस वहां पर मिलेगी, जो कि वैसे ही मैं इंडिया से बाहर भी शिपिंग करता हूं और इंडिया लोकल में भी मैंने बहुत सारे ढोलक तबला दिया हुआ है, जो कि मेरे स्टूडेंट भी होते हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स भी होते हैं बहुत सारे। तो अगर आप लोग भी अपने लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर इंक्वायरी ले सकते हैं, जो भी ढोलक आपको चाहिए वो वाले ढोलक आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए अपन नौ धा वाली तिहाई को समझते हैं। नौ धा वाली तिहाई आपको कैसे बजानी है, पहले मैं आपको एक बार उसको कहवे के साथ बजा के दिखा देता हूँ ताकि आपको वापस से याद आ जाए मैंने किस तरह से बजाया था। तो 1 2 3 स्टार्ट। अगर आपने इसके पहले वाली तीन धा वाली जो तिहाई अपन ने बजाई वो अगर आपने बजा ली है तो नौ धा वाली तिहाई भी लगभग बिल्कुल उसकी जैसी है। थोड़ा सा गैप का मैटर समझना है आपको कि गैप मैं किस तरह से उसके बीच में दे रहा हूं। तो देखिए एक बार स्लो स्पीड में मैं आपको इसको बोल के समझाता हूं, ठीक है, वर्ड वही है जो इसके पहले थे, एक बार आपको बस समझना है कि इसके वर्डिंग क्या थे, ठीक है। तो धा तेरे किट धाती 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 धा, ठीक है, धा तेरे किट धाती 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 धा, ठीक है। करना क्या है, ती धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा, ये आपने तीन धा वाली दिहाई थी। इसके बाद थोड़ा सा आपको गैप देना है, कितना, एक मात्रा के गैप देना है, ठीक है। वो एक मात्रा के गैप आप कैसे काउंट करोगे, ती धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धावन तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धावन तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा तेरे किट धाती धा, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी समझने वाली बात है, हो सकता है थोड़ा वर्ड ये जो बोल है इसकी वजह से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। मतलब तीन धा के तीन पोर्शन इसके अंदर बन रहे हैं, लेकिन जो तीधा अपन शुरू में लगा रहे थे वो तीधा आपको आगे के दो टाइम पर नहीं लगाना है, ठीक है, उसकी आपको वहां पर गैप छोड़नी है, ठीक है। ती धा तेरे किट धाती 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 धा, ठीक है। जब ये तिहाई आप बजाएंगे कहीं पर भी, अगर कोई भी भजन को एड करने के लिए, कोई भी कव्वाली को एड करने के लिए अगर आप ये बजाते हैं तो 100% आपको तालियां जरूर मिलनी है, अगर आप बिल्कुल सफाई से इसको लगाते हैं तो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है, ठीक है। तो देखिएगा, तो एक बार आपको एंड में बजा के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे विदा चाहूंगा। तो 1 2 3 4
आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और भी आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अदर कोई भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं 100% उसका रिप्लाई जरूर दूंगा।